तो हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। हम आज बनाएंगे तहरी। तहरी के लिए हम ले लिए एक आलू, 200 ग्राम गोभी, 100 ग्राम मटर, 100 ग्राम बीन्स, 100 ग्राम शिमला मिर्च और ले लिए 2 प्याज, 1 टमाटर, 1 चम्मच अदरक लहसुन और हरा मिर्च। और इसके साथ में लिए हम 1.5 कप बासमती राइस जो भिगा के रख दिए हैं। साथ में ले लिए खड़े मसाला, तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची, जीरा। और हम तहरी बनाने के लिए एक पतीला ले लिए हैं। पतीला गर्म हो चुका है, हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच तेल। तेल गर्म होने दें, इसमें अब डाल देंगे हम गर्म मसाला और डाल देंगे हम हरी मिर्च और इसके साथ में जाएगा 2 प्याज। सभी को भून लेंगे हम। प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है, हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। सभी को फिर से मिक्स कर देंगे। हल्का सा पकने दें। अब हम ऐड करेंगे वेजिटेबल सब्जी। सभी सब्जी को डाल देंगे, फिर मिक्स कर देंगे सभी को। और इसके साथ में जाएगा 1 टमाटर, फिर से मिक्स कर देंगे सभी को। अच्छे से मिक्स कर देंगे, हल्का पकने दें। सब्जी हमारा हल्का सॉफ्ट हो चुका है। हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक भर के, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च रहेगा, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और सभी को मिक्स कर देंगे मसाले के साथ में। मिक्स करके अब हम ढक्कन डाल देंगे। वो ढक्कन डाल के हम 2 से 3 मिनट तक पकने दें। चेक करेंगे सब्जी को हम। देखिए 80% सब्जी हमारा पक चुका है, पूरा सब्जी नरम हो चुका है। हम इसमें डाल देंगे बासमती राइस जो भिगा के रखे थे 1/2 घंटा के लिए। सभी को मिक्स कर देंगे एक साथ में। और 1.5 कप चावल लिए हैं तो 3 कप पानी लेंगे। चावल का डबल पानी रहेगा और सभी को मिक्स कर देंगे और ढक्कन डाल के हम पकने दें तहरी को। 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे। बीच में हम एक बार चेक कर लेंगे, चला देंगे हल्का सा, ज़्यादा चलाइए ना, चावल टूटने का डर है। फिर से ढक्कन डाल देंगे, पकने दें 2 से 3 मिनट तक और फिर से चेक करेंगे। देखिए तहरी हमारा बन के रेडी हो चुका है, कितने अच्छे बने हैं। पूरा चावल खिले खिले है, सब्जी भी खिला है। और हम डाल देंगे इसमें धनिया पत्ता। और हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। ओके, ऑल गाइस, थैंक यू।